कृष्णा, राधे राधे। कृष्णदासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं माता रानी का आपको जो थोड़ा बहुत मैं श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो मैंने विग्रहणी ला रखा माता रानी की मूर्ति, तो मैं ये फ़ोटो बड़ी सी है, इन्हीं को ही सजा देती हूँ। तो आपको मैं जो थोड़ा बहुत श्रृंगार करती हूँ वो बता देती हूँ मैं। तो उनके श्रृंगार के लिए ये एक हार है जो उनको मैं पहना देती हूँ, ये देखिए। ये मैंने टीका बना रखा है, ये पेंडल था गले का, वैसे टीके भी है मेरे पास, लेकिन ये मेरे पास न्यू एकदम रखा था। और ये नथ है, तो मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने माता रानी का एक चुन्नी थी मेरी, तो उसका ये मैंने माता रानी का ये लहंगा बनवा दिया है, देखिए। तो मैंने पीछे इसमें वो डाल के नाड़ा, तो इसको बांध दिया इस तरह से। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे करती हूँ। पहले मैं इनके ये मैंने पिछले बार लगाए थे, इनको मैं उतार दूँगी, उतार दी। और इनको मैं गम से चिपकाऊँगी, जो कान्हा जी की गम आती है, जो हम कान्हा जी श्रृंगार के लेते हैं, तो इनको मैं कानों में, ये कान्हा जी के जो स्टोन होते हैं ना, जैसे कान्हा जी की बिंदियाँ वगैरह लगाते हैं, तो वो स्टोन में बड़े बड़े साइज के लिए है मैंने। तो इधर का ये रिंग अंदर की तरफ है, तो मैं इधर ही लगा दूँगी ऐसे। तो ये कानों के स्टड हो गए, और ये नाक में मैं इसमें मैंने बेल्टेक लगा दी है, जो बेल्टेक आती है गम, क्योंकि गम से ही चिपकाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये तस्वीर है माता रानी की। और इस पे भी मैं एक बड़ा सा स्टोन नाक पे, क्योंकि ये छिप जाएगा, जिससे इस पे गम लगाई है वो, उसे छिपाने के लिए ये देखिए नाक में मैंने नाक पहना दी। और बिंदी मैंने लगा दी थी इनको, तो और अब मैं माता रानी को चुन्नी पहना देती हूँ। बाकी मैं सुबह माता रानी को एक दूसरी चुन्नी भी नई वाली जो है वो उड़ाऊँगी, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है। अब मैं ये जो टीका बनाया था ना, ये टीका ये मैचिंग कर रहा था, वरना मेरे पास है, लेकिन वो कलर चेंज है, वो रेड नहीं है मेरे पास, थोड़ा पिंक वगैरह का टीका है, तो मैंने कहा यही बना रहे थे। इसको मैंने कलावे में डाल लिया, और इस तरह से माता रानी को ये चुन्नी में अटैच कर देंगे इस तरह। ये देखिए टीका तैयार हो गया, देखिए। और अब ये मैं ये जो भगवान जी का ये माला, इसमें ये बना हुआ है एक तरफ, तो ये बना हुआ है इसमें बंद करने के लिए हुक एक तरफ ये, तो इसमें मैं पिन डाल दूँगी, सेफ्टी पिन, उससे मैं लगा दूँगी। बेटा एक सेफ्टी पिन दिया, इसको इस चुन्नी में अटैच कर दूँगी, सेफ्टी पिन दे दो बेटा। अब फिर अब ये मैंने सेफ्टी पिन ले लिया, इसमें मैं इसके बराबर अटैच कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी इसके लूप्स में, और इसको इसमें लगा दूँगी। ये देखिए, ये छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये माता रानी का हार भी पहना दिया। तो आप देखिए, मैंने तस्वीर पे ही माता रानी को मांग टीका, नथ और ये कानों के हार, ये लहंगा, ये तस्वीर में ही मैंने चिपका दिया, क्योंकि इस तस्वीर को मेरी बहुत साल हो गए, मतलब मेरी शादी हुई थी जब भी मैं ये तस्वीर घर हाथों में लाई थी, काफ़ी साल हो गए इसको, तो जब से मैं इन्हीं के लगाती आ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो ये लगा दिया। अब मैं ये चूड़ी जो है, ये चूड़ी, इसको मैं ऐसे करूँगी, ये कलावे में बांध लूँगी। क्योंकि माता रानी का पूरा श्रृंगार मैं ऐसे रख करके, और जो पास में मेहंदी वगैरह फिर सुबह रख दूँगी मैं पास में जो भी। तो एक तरफ ऐसे कर लिया, तो मैं ये डोरी तोड़ती नहीं, क्योंकि ऐसे माता रानी को करना होता है, तो इसी को मैं हिसाब से तोड़ के दूसरी बिटा। ये
तो इस तरह से मैंने ये चूड़ी का ये बना लिया है, देखिए। तो अब ये मैं यहाँ पे माता रानी को ये भी पिन लगा देती हूँ मैं। माता रानी का ये मैंने आपको श्रृंगार दिखाया, इसमें मैंने देखो माता रानी को पूरा तैयार कर दिया, कितनी सुंदर माता रानी लग रही है। ये अभी मैं एडजस्टमेंट करूँगी, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँगी, टीके को इस तरह से ऊपर लगा दूँगी, और क्योंकि यहाँ तिलक भी लगाती हूँ। और एक स्टोन मैं ये एक और लूँगी बिंदी, जो ये जो उनका सिंह है, सिंह देवता शेर, उनके माथे पर लगा दूँगी। तो अगर मैं ये ज़्यादा नीचे कर देती हूँ ना, तो फिर माता रानी की साड़ी का तो ऊपर ही है, तो इसलिए मैं इतना ही लगा देती हूँ। ये वैसे भी अभी ढीला हो जाएगा, माला वाला पहनाते रहो तो वो नीचे ही आ जाता है, ये देखिए। तो आपने देखा मैंने अपनी जो ये तस्वीर है मेरी माता रानी जी की, तो इनको मैंने किस तरह सजाया, कितनी सुंदर रूप आया। और अभी तो कल जब स्थापना होगी, पूजा पाठ होगी, तो और भी रौनक आ जाती है माता रानी का अपने आप ही। तो आपको ये मेरी माता रानी की नवरात्र स्पेशल वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो जरूर करना। जय माता दी, सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई है।